आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं आप लोग? सो आज की वीडियो पर हम रेकर करेंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है पद्मा भस्वामी टेम्पल। सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया, मुझे लग रहा है मैंने रॉन्ग कर लिया है। खैर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो इस वीडियो पर आज हम रेकर करेंगे वर्ल्ड रिचेस्ट रिलीजियस साइट। सो इस वीडियो के ऊपर आज हम रेकर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। The Riches of Padmanabhaswamy Temple. Study IQ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। आज हम बात करने वाले हैं केरला में स्थित विष्णु मंदिर पद्मनाभस्वामी टेम्पल की, जो रिसेंटली पूरे विश्व में रिचेस्ट रिलीजियस साइट में से एक के रूप में उभर कर आया है। हम इस वीडियो में मंदिर की ग्लोरियस हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और अनइमेजिनेबल वेल्थ के साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और लेगेसीज पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वैसे तो आज का भव्य पद्मनाभस्वामी टेम्पल 18th सेंचुरी AD में ट्रावनकोर प्रदेश के महाराजा मार्तंड वर्मा ने रेनोवेट करके बनवाया था, परंतु इस टेम्पल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जहां कुछ इतिहासकार इस टेम्पल में प्लेस्ड मूर्ति का मेंशन 9th सेंचुरी AD के तमिल वैष्णवाइट सेंट नमलवर के सॉन्ग्स में बताते हैं, वहीं दूसरे हिस्टोरियंस संगम एज में लिखित 2nd सेंचुरी एडी एपिक सिलापद्धिकरम से भी इसका ओरिजिन ट्रेस करते हैं। लोकल लेजेंड्स के अनुसार इस टेंपल की स्थापना की स्टोरी सेंट विल्वा मंगलम स्वामियार से जुड़ी है। वे एक महान सेंट थे जिन्हें मालाबार के ज्यादातर मंदिरों के कॉन्सिक्रेशन का श्रेय दिया जाता है। वे हर दिन सालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और महाविष्णु भगवान के विराट रूप दर्शन के लिए आंख बंद करके मेडिटेशन करते थे। पर हर दिन मेडिटेशन के दौरान एक बच्चा उन्हें तंग करता था। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन आंख खोलने से पहले ही उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वो महाविष्णु हैं और यदि उन्हें उनका विराट रूप देखना है तो अनंत काड़ू जंगल की ओर आ जाएं। उन्होंने इससे पहले इस जंगल का नाम कभी नहीं सुना था, इसीलिए वे उस बच्चे की ज्वेलरी की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ शिशु दिखाई देता है जिसकी माँ उसे चुप कराने के लिए अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आने की धमकी दे रही होती है। स्वामियार ऋषि उस महिला से अनंत काड़ू का पता पूछ लेते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद वे एक महुआ के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उनके सामने वो महुआ का पेड़ अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु, नागों के राजा आदिशेष नाग या अनंत नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। ये रूप इतना विशाल होता है कि इसका एक छोर तिरुवल्लम तो दूसरा छोर तिरुअप्पापूर तक पहुंच जाता है। स्वामियर ऋषि इस विराट रूप के दर्शन के बाद भगवान महाविष्णु से छोटे होने की प्रार्थना करते हैं ताकि वे उनकी पूजा और प्रदक्षिणा कर सकें। फाइनली भगवान उनकी सुन लेते हैं। जब इस दर्शन की खबर उस समय के ट्रावनकोर महाराजा तक पहुंचती है तो वे वहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश दे देते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज के पद्मनाभ स्वामी भगवान की मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी गिरने वाले महुआ के पेड़ से बनाया गया था। आगे चलकर महाराजा मार्तंड वर्मा इसी मंदिर को रेनोवेट करवाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आइए अब हम इस मंदिर की जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर वहां की कमर्शियल हब ईस्ट फोर्ट के सेंटर में सिचुएटेड है। यहां से अरेबियन सी भी बहुत पास है, जहां हर साल दो बार लॉर्ड पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा को रिचुअल बाथ कराया जाता है। सीनिक लोकेशन होने के साथ साथ इस टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत लुभावना है। चलिए देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल उन कुछ मलयाली टेम्पल्स में से एक है जहां आपको तमिल द्रविडियन आर्किटेक्चर और लोकल चेरा यानी केरला स्टाइल आर्किटेक्चर का यूनिक सिंथेसिस देखने को मिलता है। टेम्पल के सैंक्टम सैंक्टोरम में प्लेस्ड विष्णु भगवान की मूर्ति भी बाकी जगहों से अलग है। यहां का मेन श्राइन इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा तीनों की झलक मिल जाएगी। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान आदिशेष नाग यानी अनंत नाग पर लेटे हुए इटर्नल योगिक स्लीप में दिखाई देते हैं। उनका राइट हैंड एक शिवलिंग को टच कर रहा है, वहीं उनकी नाभि से एक कमल यानी
पद्म का फूल निकल रहा है जिस पर लॉर्ड ब्रह्मा बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण इस श्राइन और टेम्पल का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार इस श्राइन का कोर वुड का बना हुआ है जिस पर ढेर सारे सालिग्राम पत्थर जड़े गए हैं। लेजेंड्स के अनुसार 18th सेंचुरी एडी में हुए रीकॉन्सेक्रेशन के समय महाराजा मार्थंड वर्मा ने नेपाल की गंडकी नदी से 12,008 सालिग्राम पत्थर मंगवाए थे। इस मंदिर को और भी आकर्षक इसके तीन दरवाजे बना देते हैं। पहले दरवाजे से शेषनाग, लॉर्ड विष्णु और शिवलिंग दिखाई देते हैं। दूसरे दरवाजे से लोटस फ्लावर पर बैठे लॉर्ड ब्रह्मा दिखाई देते हैं और तीसरे से लॉर्ड विष्णु के चरण दिखाई देते हैं। इसके अलावा मंदिर की एंट्रेंस पर बना एक विशाल गोल्डन गोपुरम इस मंदिर की बाहरी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यहां गौर करने वाली बात है कि इस तरह का गोपुरम अक्सर केरला के दूसरे मेजर टेंपल्स में नहीं दिखाई देता है। ये तो रही टेंपल के आर्किटेक्चर की बात, आइए अब बात करते हैं इस टेंपल के ह्यूज वेल्थ की। रिचेस्ट रिलीजियस साइट ऑफ द वर्ल्ड पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अपने वॉल्ट्स में पाए गए इमेंस वेल्थ के कारण रिसेंटली बहुत चर्चा में रहा। यहां अभी तक टोटल 6 वॉल्ट्स यानी कि तहखानों का पता चला है जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में खोले गए वॉल्ट्स में लगभग 1,00,000 करोड़ वैल्यू का सोना और संपत्ति पाई गई है। इसी डिस्कवरी के कारण ये मंदिर पूरी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट रिलीजियस साइट बन गया है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अथॉरिटीज द्वारा एस्टिमेटेड वैल्यू में इस वेल्थ का कल्चरल, हिस्टोरिक और एंटीक वैल्यू नहीं ऐड किया गया है। उदाहरण के लिए गुप्ता एरा गोल्ड कॉइन की प्रेजेंट वैल्यू उसमें यूज हुए गोल्ड की वैल्यू से कहीं अधिक होगी। सिमिलर लाइंस पर यदि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वेल्थ का एस्टिमेशन किया जाए तो शायद इसकी वैल्यू 1,00,000 करोड़ से बहुत ज्यादा होगी। इस रिचनेस के अलावा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कई कंट्रोवर्सीज का भी केंद्र रहा है। आइए देखते हैं कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ट्रेवनकोर साम्राज्य में मैट्रिलिनियल सक्सेशन की प्रथा सालों से चली आ रही है। यहां की रानी महाराजा की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बहन यानी सिस्टर होती हैं, और यहां की राजगद्दी महाराजा के बेटे की जगह उनकी सिस्टर के बेटे यानी कि भांजे को मिलती है। 18th सेंचुरी एडी में इसी प्रकार राजगद्दी पर बैठे महाराजा मार्थंड वर्मा ने अपने पूरे साम्राज्य को पद्मनाभ स्वामी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और ये डिक्लेयर किया था कि वे पद्मनाभ स्वामी भगवान के दास यानी कि सेवक के रूप में शासन संभालेंगे। उनके बाद मैट्रिलिनियल सक्सेशन से आने वाले सभी महाराजाओं ने भी इस डिक्लेरेशन का पालन किया और इसी ट्रेडिशन के अनुसार इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद आए ट्रेवनकोर कोची रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1951 में भी इस टेंपल का मैनेजमेंट राइट या शिबेत राइट ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली के पास चला गया। पर इंदिरा गांधी के प्रिवी पर्स यानी शाही भत्ता हटाने के बाद से कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई। कंट्रोवर्सी का पीक तब हुआ जब 2011 में केरला हाई कोर्ट ने रॉयल फैमिली की शिबाइट राइट्स को खत्म कर दिया, लेकिन 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। फिर वेल्थ एस्टिमेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटीज एक एक कर सभी वॉल्ट्स को खोलने लगी, लेकिन वॉल्ट बी पर आज भी विवाद बना हुआ है। मंदिर के प्रीस्ट्स और रॉयल फैमिली इस वॉल्ट को खोलने के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनके अनुसार इस वॉल्ट के दरवाजे पर सांप की आकृति बनी हुई है और इसे खुलवाना डिवाइन रैथ को न्योता देना होगा। इसी बीच लगभग 10 साल चले मुकदमे के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कस्टमरी लॉ को प्रेसिडेंस देते हुए ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली की शिबाइट राइट्स को रिस्टोर कर दिया और साथ ही इस मंदिर की अपार संपत्ति को प्रिजर्व और कंसर्व करने का भी आदेश दिया। इस जजमेंट के बाद लॉ के अनुसार थिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक कमेटी के माध्यम से टेंपल का डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और रॉयल फैमिली कस्टम्स और रिचुअल्स के सेरेमोनियल हेड होते हैं। ये तो रही कंट्रोवर्सीज की बात, पर कंट्रोवर्सीज से कहीं बड़ी इस टेंपल की लेगेसी है जो आज भी मलयाली सोसाइटी को शेप करने में अहम भूमिका निभाती है। आइए हम इनमें से दो प्रमुख लेगेसीज पर बात कर लेते हैं। लेगेसी ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेंपल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का इतिहास पूरे केरला और खासकर तिरुवनंतपुरम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के कारण ही
त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता यानी कि तिरु अनंता पुरम रखा गया था। वहीं दूसरी लेगेसी इस टेंपल से जुड़े हाफ ईयरली अरट्टू फेस्टिवल से लिंक्ड है। मलयालम शब्द अरट्टू का अर्थ रिचुअल बाथ होता है, जहां पेंकुनी अरट्टू फेस्टिवल मार्च से अप्रैल में मनाया जाता है। वहीं अल्पाशी अरट्टू फेस्टिवल अक्टूबर से नवंबर में मनाया जाता है। इन दोनों अरट्टू फेस्टिवल्स के अवसर पर इस मंदिर से एक रॉयल प्रोसेशन निकाला जाता है, जिसमें लॉर्ड पद्मनाभ स्वामी, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड नरसिंहा की इमेजेस को डेकोरेटेड एलिफेंट्स पर बिठाकर अरेबियन सी में स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। ये प्रोसेशन इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस दिन तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट ऑपरेशंस कुछ घंटों के लिए सस्पेंड कर दी जाती है और आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ अर्स्टवाइल ट्रावनकोर के महाराजा एयरपोर्ट के मेन रनवे से होते हुए बेयरफुट शंगुमुखम बीच तक यात्रा करते हैं। फिर रिचुअल बाथ के बाद मशाल की रोशनी में तीनों भगवानों को वापस मंदिर लाया जाता है। ये दोनों फेस्टिवल्स मलयाली सोसाइटी में हार्मनी लाने का काम करते हैं। वहीं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वैष्णवाइट फेथ का इंपॉर्टेंट सेंटर है। अतः इस मंदिर के संदर्भ में ये कहना अधिक नहीं होगा कि ये इतिहास बनाने वाला मंदिर नहीं बल्कि खुद में ही एक इतिहास है। Amazing यार, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। एक्चुअली ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और इसकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री इसकी बहुत है और भारत फुल हिस्ट्री के साथ है। अगर आप हिस्ट्री देखते हो, आप सारी चीज़ें देखते हो तो आपको आइडिया होता है कि भारत में कितनी हिस्ट्री है, क्या क्या रियलिटी है, क्या चीज़ें छुपी हुई है, बहुत कुछ है जानने के लिए। सो ये मंदिर इतना कोई खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इस मंदिर को देखकर हैरान हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इस मंदिर को देख रही हूँ, जो साफ बात है। मैंने इतने सारे मंदिर देखे लेकिन यार इस तरह का मंदिर मैंने आर्किटेक्चर कभी नहीं देखा। और इस मंदिर का मतलब स्वामी जी जो है उनकी स्टोरी के बारे में जाना, किस तरह से उनको जो है वो बच्चा एक तंग करता है स्टार्टिंग में ना, तो उसके बाद फिर वो उनको पकड़ के कहते हैं कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, तो फिर वो बताते हैं कि मेरा हाथ छोड़ दो और मैं एक मतलब स्वामी मतलब मना स्वामी हूँ मैं, तो वो नहीं मानते तो उनको ले जाते हैं वो एक जंगल में और उनको यकीन दिलाते दिखाते हैं अपनी शक्ति दिखा के कि देखो मैं ही हूँ। तो फिर इस तरह से सबको पता चलता है, महाराजा को भी पता चलता है, वो मूर्ति बना लेते हैं। क्या बात है, मतलब उसके बाद उनकी मूर्ति बनाने के बाद फिर उनको उनकी इतनी कोई खूबसूरत मूर्ति बनाई है यार, इतनी प्यारी उसी लकड़ी से बनाई है जो उस वहां पर थी। और यार वो जिस तरह लेटे हुए हैं और उनके पांव वो सा मतलब नाक जो है और उसके उनके पेट से जो कमल निकल रहा है उसके ऊपर वो एक मूर्ति है, तो मैं कहती हूँ यार इतना कोई खूबसूरत और इतना दिमाग से जहानत से कैसे कोई बना सकता है और उस टाइम पर। और दूसरी बात, वो इतना बाहर से भी खूबसूरत है, इतना बड़ा है, कितनी मंजिलें होंगी उस पर यार, आप लोग मुझे जरूर बताएगा कि उस पर कितनी मंजिल हैं, फ्लोर्स कितने हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है ऐसे तो लगता है इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होंगे। एंड उसका लुक इतना खूबसूरत है बाहर से, वो मूर्ति स्टाइल कुछ बना हुआ था बाहर भी और बहुत ही मेहनत से और सफाई से इन्होंने काम किया है। ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी अच्छी लगी। ओरिजिनल वीडियो का तो लिंक आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, सो आप ओरिजिनल भी वॉच कर सकते हैं। एंड मुझे भी सपोर्ट करें, इनको भी सपोर्ट करें, अच्छी वीडियोस होती हैं आईक्यू स्टडी की। एंड गाइस मूर्ति बहुत खूबसूरत बनाई है इन्होंने, लेकिन जो धन है मतलब कि गोल्ड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया गया है। इससे आइडिया होता है कि लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपना वहाँ पर दान भी करते हैं, देते भी हैं। और दूसरी बात, महाराजा के साथ जो है उनका लिंक मतलब मंदिर उनके थ्रू बना था, तो उसकी वजह से उस मंदिर को ज़्यादा वैल्यू भी दी गई, उसमें धन वगैरह। वैसे बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे मंदिर लोगों ने बनवाए थे, लेकिन इस मंदिर की तो बात ही कुछ और है। जो मैंने देखी बहुत खूबसूरत बनाया है, हर मंदिर अपनी जगह पर खूबसूरत है, लेकिन इस जगह को मैंने देखा बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है। एंड मुझे लगता है कि रॉयल जो है ना, रॉयल फैमिली
अंडर में जो काम था मुझे लगता है कि वो ठीक था, गवर्नमेंट को अपने हैंड ओवर नहीं करना चाहिए था। और मतलब कि क्या वो अनसेफ था इसलिए गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर कर लिया रॉयल फैमिली से लेकर, क्या आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने ठीक किया है या फिर नहीं किया, और अगर किया है तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों उनसे ले लिया गया ये ओहदा, और क्या रीज़न हो सकता है वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये शुरू से ही वो लोग संभालते आए हैं, अगर उनको कोई नुकसान नहीं था मंदिर को या फिर कोई भी चीज़ ऐसे आगे पीछे नहीं थी हो रही, तो फिर क्यों उनसे ये ले लीगी। एंड दूसरी, इन मूर्ति जो है इनको आसन करवाया जाता है एवरी ईयर, वो भी हाथी पर, इतना खूबसूरत सजा कर, लाइक मैंने कभी नहीं देखा कि हाथी के साथ आसन करवाया जाए। वैसे तो मूर्ति को मैंने देखा है लोग किस तरह से पानी में लेकर जाते, लेकिन हाथी के थ्रू कभी भी मैंने नहीं देखा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट मुझे जानने को मिला कि जो है वो किस तरह से पद्मा, आई थिंक नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी। खैर जो मंदिर है तो उस मंदिर को जो है वो कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है, और उसमें किस तरह से लोग पूजा करते हैं, लोगों की आस्था। और केरला में, केरला एक गॉड ऑन्स कंट्री जो है वो कंट्री मेरे ख्याल से कहा जाता है। खैर आप मुझे ये बताइएगा कि ये इनकी वजह से ही कहा जाता है पद्मा ना, सॉरी यार मैं रॉन्ग नाम नहीं लेना चाह रही इसलिए मैं नाम नहीं बोल रही, आप जो है वो इस नाम को दोबारा से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एनीवेज केरला को शायद इसलिए गॉड ऑन्स कंट्री कहते हैं, शायद स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी मंदिर है और यहाँ पर वो खुद थे, और शायद ये रीज़न है इसलिए कहा जाता है। और केरला के लोग भी काफ़ी मैंने देखे हैं कि डिसेंट हैं काफ़ी, वैसे तो सब लोग ही डिसेंट हैं ही, लेकिन केरला के लोगों में मैंने यहाँ देखा है और वहाँ पर खूबसूरती और एक अलग ही लुक है। सो हर गाइज आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा देखकर, वो मुझसे शेयर कीजिएगा। और मुझे इतना इस वीडियो के बारे में जो बात है वो नॉलेज नहीं है बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों को, ये मेरे लिए बहुत यूनिक है, मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पे हमें रिएक्शन देना चाहिए जो चीज़ें हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने से हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, प्लस हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है नई नई वीडियो से, और उससे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। और आई थिंक कि आप लोग जब कमेंट में बताते हैं वो चीज़ों को राइट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो आप लोग मुझसे अच्छा जानते हैं यकीन इस वीडियो के बारे में, सो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग आया है साइमा पीर द व्लॉग चैनल पर, सो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।